नमस्कार, झूठी खबरों के साथ मैं प्यारेलाल। अब आप लोग समाचार सुनिए। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार और कपल्स प्यार मोहब्बत में भारी गिरावट। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी, आंधी तूफान की भारी संभावना। नमस्कार, झूठी खबरों के साथ मैं प्यारेलाल। अब आप लोग समाचार विस्तार से सुनिए। रुको जरा, सबर करो। देश में कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार और ऐसा कहा जाता है कि जो जहां पर जितना दिन रह जाता है उसकी इज्जत कम हो जाती है, उसी तरह कोरोना की भी इज्जत कम हो चुका है। जैसे कि हम लोग पहले थाली ताली बजाकर कोरोना की स्वागत करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं। और इसी के वजह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी दिक्कतें हुई। आप लोग देख सकते हैं कुछ हमारे रोड पर बहुत से यहाँ पर गाड़ियाँ लगा रहा, मतलब गाड़ियों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज के डेट में सारे रोड खाली हुआ है। और लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हो चुका है, जिसके वजह से कपल्स प्यार मोहब्बत नहीं करने को मिल पा रहा है, जिसके वजह से कपल्स में प्यार मोहब्बत में भारी गिरावट आई है। और इसके मद्देनज़र रखते हुए भी थोड़ा सी वक्त लिया गया है, लॉकडाउन को थोड़ा और बढ़ाया गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा, समझ रहे हो ना, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी, कहा है कि भारी बारिश होने के कारण सूखा पड़ने की संभावना है। धरती पर बादल छाए रहेंगे और आकाश साफ रहेगा। नमस्कार, दोपहर संध्या के साथ प्यारे लाल। कुछ भी